जादव साहब, अब क्या आगे का प्रोग्राम है? अब आगे का प्रोग्राम है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन था, इसको संयुक्त किसान मोर्चे के द्वारा स्थगित किया गया है, तो बाइंड अप करेंगे इसको। और जो बातें थी वो पूरी नहीं हुई, रह गई कुछ बातें? नहीं, देखिए ऐसा है कि 100% तो कहीं होता नहीं है, और हो भी जाए तो खेती एक ऐसा धंधा है कि इसमें रोज़ समस्याएं नई खड़ी होती हैं। मैंने कहा प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में अगर आंदोलन को ख़त्म कर दिया जाएगा तो लोकतंत्र मर जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र पैदा ही आंदोलन से हुआ है। कभी राजतंत्र रहा होगा, तानाशाही रही होगी, आंदोलन हुए होंगे उसके खिलाफ, तभी ना लोकतंत्र आया, तो आंदोलन तो चलना चाहिए। ये आंदोलन जादव साहब, एक साल का आंदोलन इतिहास का एक बन गया है पेज, इतिहास में नाम लिखा जाएगा कि आंदोलन हुआ, हमारे बच्चे भी याद करेंगे किस समय आंदोलन हुआ था, कभी इतना लंबा आंदोलन। तो इसको एक साल बीता, थोड़े अनुभव शेयर करें, थोड़ा कैसा रहा? हाँ बिल्कुल, 378 दिन आंदोलन चला और हर दिन इसमें एक नया अनुभव था, क्योंकि हम लोगों ने भी कभी इतना बड़ा आंदोलन नहीं किया था जो हमें इस तरह के आंदोलनों के अनुभव हों। आंदोलन बहुत सारे किए, बड़े बड़े आंदोलन किए, लेकिन इतना बड़ा आंदोलन नहीं किया, तो रोज़ एक नया अनुभव था, नई अनुभूति थी, नए संघर्ष थे, नई चुनौतियाँ थी। चुनौतियाँ भी कई प्रकार की थी, एक तो प्रकृति के रूप से थी, कभी जाड़ा, कभी गर्मी, कभी बरसात, कुछ यहाँ लोकल स्तर पर चुनौतियाँ थी, और सरकारी चुनौतियाँ तो टोटल थी। सारी चुनौतियों का पूरे बुद्धि विवेक से, पूरे शांतिपूर्वक, पूरे मनोयोग से सामना किया गया और उनको, चुनौतियों को निपटाया गया। तो अनुभव मिले जुले रहे। साहब जब हम लोग आए थे तो ये नहीं सोचा था कि इतना लंबा चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था, बिल्कुल बिल्कुल ये नहीं सोचा था कि इतना लंबा आंदोलन चले था, लेकिन इतना जरूर सोच के आए थे कि आंदोलन कितना भी लंबा चले, किसान खाली हाथ घर जाने वाला नहीं है। आज वो दिन है कि किसान को एक बड़ी सफलता मिली है, ऐसी सरकार के खिलाफ सफलता मिली है जो ना किसी की सुनती है और ना किसी का कहा हुआ करती है, केवल अपनी मनमानी करती है। तो ऐसी सरकार के सामने आंदोलन को इतनी बड़ी सफलता मिली है, बड़ी उपलब्धि है। जादव साहब, जो दूर दराज के लोग थे जो यहाँ नहीं आ पाते थे, गांवों में खास कर थे, उन लोगों का किस तरह का मैसेज आ रहा है? अच्छा मैसेज आ रहा है, बड़े शुभकामनाएँ दे रहे हैं, बड़े उत्साह में हैं, बड़े खुशी में हैं, क्योंकि वो लोग यहाँ भले ही नहीं आए लेकिन अपने घरों में बैठ कर के भी आंदोलन पर थे। वो हमारे साथ भावनात्मक रूप से जुड़े थे, हमारे आंदोलन के मुद्दों से सहमत थे, हमारे तरीके से सहमत थे, तभी तो इस देश की जनता ने, 130 करोड़ जनता ने सबसे ताकतवर सरकार के सारे आरोपों को खारिज किया, आंदोलनकारियों को मजबूत किया। तो वो आंदोलनकारी हमारे जो घरों में बैठे थे, वो हमसे भी बड़े आंदोलनकारी थे, क्योंकि जब एक चुनाव का दौर आया उत्तर प्रदेश में, तो उन आंदोलनकारियों ने आंदोलन के पक्ष में खड़े होकर के सरकार से गुस्सा प्रकट किया, और उसका स्पष्ट जो एक परिणाम था वो ये था कि 75 जिलों में से एक भी जिला ऐसा नहीं था जहाँ सत्ताधारी पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष बन पाता। ये गुस्सा था, आंदोलन के प्रति समर्पण था, ये आंदोलनकारियों का कमिटमेंट था, और आंदोलन था ये, तो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन था। मतलब जिन लोगों का आपके आंदोलन में सहयोग रहा उनके लिए आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे, और मैं तो ये कहूँगा कि धन्यवाद का मेरे पास शब्द नहीं है, हर किस्म का सहयोग था। यहाँ लोग शरीर से आंदोलन में थे, लोग संसाधनों से आंदोलन में थे, लोग मन वचन कर्म से आंदोलन में थे, जिसके पास जो था उसने आंदोलन को समर्पित किया। जादव साहब, कई बार ऐसा दौर आया, हम भी बीच में रहे, कि आंदोलन को ख़त्म करने की साजिशें हुईं, उस समय कैसा लग रहा था? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आंदोलन को कई बार तोड़ने की, ख़त्म करने की बड़ी साजिश हुई, लेकिन ऐसे मौके पर किसानों का कमिटमेंट और उनका सच्चे हृदय से इस देश को बचाने का जो अभियान था वो सामने आया, और देश ने देखा। कोरोना जैसी महामारी आप देख लें, ये स्पष्ट परमात्मा का आशीर्वाद था इस आंदोलन पर कि एक भी मरीज कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ,
और परमात्मा तभी कृपा करता, उन्हीं पे कृपा करता जो सच और धर्म के मार्ग पर होते हैं। तो परमात्मा ने कृपा दिखाई, इसके माने किसान सच और धर्म के मार्ग पर था। जादव साहब, जो लोग शहीद हो गए थे उनके लिए आपने सरकार से भी, आप उन्होंने कहा लिस्ट, मेरे पास लिस्ट नहीं है, आपने लिस्ट भी दी, आपने उनका नाम भी दिया आगे, तो अब उनके लिए क्या होगा? सभी स्टेटों की सरकारों से वार्ता होगी शहीदों के सम्मान के लिए और उनके कंपनसेशन के लिए, और जो हमारे मुकदमे हमारे ऊपर दायर हैं उनके लिए, जो स्टेट लेवल का मामला है वो स्टेट लेवल की सरकारों से बातचीत हो रही है, उन्होंने कमिटमेंट किया हुआ है और ये सब कुछ सम्मानपूर्वक निपटाया जाएगा। खासकर जादव साहब लखीमपुर खीरी की बात कर रहे हैं अगर, तो उसके लिए क्या होगा? देखिए लखीमपुर खीरी मांगे थी सरकार ने, अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो उसमें क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, एक बड़ी महत्वपूर्ण मांग हमारी रह गई है, जो मंत्री हैं टैनी जी वो FIR में नेम्ड हैं और अभी तक वो गृह राज्य मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर हैं, तो ये मांग भी है और इस देश के आम आदमी की पीड़ा भी है कि आखिर ऐसा कौन सा फार्मूला है, कौन सा कानून है जो सभी के ऊपर चलता, केवल उन पर नहीं चलता है जो सत्ता में बैठे लोग हैं, शक्तिशाली लोग हैं। जादव साहब, मैं चाहूँगा कि मेरे दर्शकों को आप ये बताएं कि सरकार ने आपकी क्या क्या बात मानी है। सरकार ने 3 कानून वापस लिए हैं, ये पूरे देश ने देखा। सरकार ने जो MSP हमारी बड़ी महत्वपूर्ण मांग थी और हम लोगों की भी डिमांड थी कि कमेटी बनाए, क्योंकि कमेटी बनेगी और उस पर बड़ा चर्चा होगी, बड़ी गहन समीक्षा होगी, तभी MSP जैसे महत्वपूर्ण विषय पर कानून बन पाएगा। तो सरकार ने वो बात भी मानी और उसमें ये भी माना कि ऐसा किसान मोर्चे के नेतागण उसमें रहेंगे, पूरी पारदर्शिता से चर्चा होगी और एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा कि हिंदुस्तान में MSP को गारंटी कानून का दर्जा कैसे दिया जाए, कैसे गारंटी कानून बनाया जाए, इसके लिए कमेटी बनाई है। एक महत्वपूर्ण विषय था हमारे शहीदों के लिए, जो सरकार ने एक शब्द भी कभी शहीदों के श्रद्धांजलि के लिए एक शब्द भी ना बोला हो, जो सरकार उनको शहीद मानने को ही तैयार ना हो, आज वो सरकार मानी कि शहीद हैं और जिन जिन प्रांतों के शहीद हैं उन प्रांतों की सरकार उन शहीदों का सम्मान करेगी, उन शहीदों के परिवारों का सहयोग करेगी। और एक मामला था हमारा मुकदमों का, दिल्ली से लेकर के और हर स्टेट में कहीं ना कहीं मुकदमे थे, सबसे ज़्यादा मुकदमे हमारे हरियाणा में थे। हरियाणा में 48,000 से ऊपर किसानों के ऊपर मुकदमे थे और 302 से लेकर ऐसी कोई धारा नहीं बची थी जिसमें मुकदमे न दर्ज करवाए गए हों। तो मुकदमा वापसी के लिए भी सरकार झुकी है, सारे मुकदमे किसी भी प्रांत में किसी भी स्तर के हों, आंदोलन के दौरान जो मुकदमे वो सारे के सारे वापस होंगे और उनकी प्रक्रिया भी शुरू की गई है। पराली का मैटर था, पराली पर किसानों को निरपराध जेल भेजा जाता था और उन पर आर्थिक दंड लगाया जाता था, तो सरकार ने ये कहा है कि इसको आपराधिक उसमें नहीं रखा जाएगा, श्रेणी में उससे बाहर रखा जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने कहा कि पराली जलाना अगर अपराध है, सरकार या वैज्ञानिक किसान को कोई ऐसा धान का बीज या चावल बता दें जिसमें पराली ना होती हो, केवल चावल ही चावल होता हो, भाई कर दें ईजाद, चावल सभी को अच्छा लगता, पराली सभी को खराब लगे। तो सरकार ने इस बात को माना, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी फटकार लगाई थी पराली के मैटर पर कि किसान प्रदूषण के लिए उतना जिम्मेदार नहीं है जितना कि ट्रांसपोर्ट और उद्योग और जो ग्रीन गैस का उत्सर्जन हो रहा है शहरों में, ये जिम्मेदार हैं। तो उस पर भी बात बनी है। एक मामला था बिजली बिल 2020, तो उसको भी रोका गया है और उस पर ये बात आई है कि सभी पक्षों से चर्चा होगी और ख़ासकर संयुक्त किसान मोर्चे से स्पेशली उसमें नाम डाला गया है कि संयुक्त किसान मोर्चे से चर्चा होगी और तभी उस बिल को सदन में लाया जाएगा। जादव साहब, आईकॉन अबाट का आपके पास ऑफर था, आपको दिया जा रहा था राकेश टिकैत जी को, उसका क्या हुआ, आप गए नहीं लेने? देखिए, किसान के सम्मान से बड़ा अवार्ड चौधरी राकेश टिकैत के लिए नहीं था और उन्होंने इस बात को कहा भी कि ठीक बात है, दुनिया में सारे घटनाक्रमों को देख करके चौधरी राकेश टिकैत को वर्ल्ड में एक नंबर व्यक्ति चुना गया, अच्छा है, धन्यवाद है उस संस्था का, लेकिन अवार्ड लेने के लिए समय नहीं था इसलिए वो नहीं जा पाए हैं और पूरी कृतज्ञता के साथ उस अवार्ड को जो मिलने वाला है उसको स्वीकार करेंगे, लेकिन यहीं रहेंगे, किसानों के बीच में रहेंगे और वो अवार्ड इस आंदोलन में शहीद हुए किसानों को समर्पित किया गया है चौधरी साहब के द्वारा,
तो अवार्ड मिलना एक अच्छी बात है और एक मोहर लगती है कि हमारा लीडर सच और ईमानदारी के मार्ग पर था, इसलिए दुनिया ने हमें चुनना बहुत बड़ी बात है। पूरे देश से एक आदमी चुनना, वो भी राकेश टिकैत जी का नाम है, तो कैसी अनुभूति महसूस हुई जब आपका नाम सुना? जी, दुनिया से चुना गया, देश से नहीं, पूरी दुनिया से। 10 नॉमिनेशन लास्ट फाइनल हुए थे, आज 10 तारीख है, वहाँ रिजल्ट आएगा। बड़ी गर्व की अनुभूति है, मन में बड़ी प्रसन्नता है और एक भविष्य में एक नई आशा दिखाई देती है कि हमारे देश में जो ऐसे शानदार किसान नेता हैं जो दुनिया में नंबर वन चुने जाते हैं। तो मैं ये तो नहीं कहता कि सरकारें किस तरह की आएंगी, क्या उनका माइंड सेट होगा, किस तरह काम करेंगी, लेकिन इतना गारंटी से कहना चाहूँगा कि किसानों के हकों पर, उनके सम्मान पर अगर कोई भी आँच आएगी तो चौधरी राकेश टिकैत और संयुक्त किसान मोर्चे की अगुवाई में उस सरकार को लगाम लगाने का काम किया जाएगा। तो साथियों, ये थे राजवीर जाधवन जी, जिन्होंने बखूबी सभी बिंदुओं पर बात की और बताया कि किस तरह से आंदोलन का पूरा एक साल गुजरा, किस तरह से अब आंदोलन खत्म करके किसान ससम्मान के साथ अपने घरों को जाएंगे। धन्यवाद।